तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीबी कैंपस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हमारी थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम में जो भी अंडर रूट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस किस टाइप के होते हैं और उसको बिल्कुल आसान से सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ ही यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हर एक क्वेश्चन को देखें, हम बिल्कुल गारंटी लेते हैं आपको तीसरे या फिर चौथे क्वेश्चन में आपका बिल्कुल जो भी कंसेप्ट है हमारी, जो भी हमारे करने का तरीका है, वो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे एग्जाम्स में नंबर सिस्टम के साथ साथ जो भी रूट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक टाइप का तो क्वेश्चन यहां लिखा गया है अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 डैश 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 इनफाइनाइट तक का मान क्या होगा, इनफाइनाइट तक का मान क्या होगा। ये क्वेश्चंस आपको देख करके बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि जो भी हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे बिल्कुल कांसेप्ट के साथ बताएंगे, आपको हम ट्रिक भी बताएंगे और उसको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन से कैसे हम सॉल्व करते हैं दोनों तरीके आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये तो हमारा टाइप एक हो गया। अब हमारे जो दूसरे टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे पूछे जाते हैं, तो आपको दे देगा अंडर रूट 42 दे देगा, फिर ये प्लस में है और ये इनटू में हो जाएगा माइनस में, माइनस का अंडर रूट 42 माइनस का अंडर रूट 42 डैश 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 इनफाइनाइट तक, एक तो ये टाइप हो गया। फिर से एक टाइप कैसे पूछा जाएगा, तो एक टाइप आपका इनटू का आता है, इनटू 42 प्लस इनटू 42 प्लस इनटू 42 डैश 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 इनफाइनाइट का मान क्या होगा, एक ये टाइप हो गया, एक ये माइनस वाला, एक ये इनटू वाला, और एक सिर्फ एक इनफाइनाइट नहीं देगा आपको। क्या देगा दोस्तों, एक जो है आपको इनफाइनाइट नहीं देगा, सिंपल आपको बस इतना ही तक देगा और इसका मान पूछेगा, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन कैसे दे देगा आपको, दे देगा 4 प्लस अंडर रूट कितना 144 प्लस अंडर रूट 10,000 10 का मान बताओ, ठीक है, इतने का मान बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे नंबर सिस्टम में जो कि अंडर रूट से बनते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि जो हमारे ये पहले टाइप का क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम आपको बिल्कुल टाइप टाइप से बताएंगे, आप बिल्कुल बोर मत होइए और वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के साथ बने रहे। तो आइए हम सबसे पहले टाइप वन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि टाइप वन का सॉल्यूशन कैसे होता है। दोस्तों इसका हम आंसर देख करके बता सकते हैं कि 7×42 का जो आंसर होने वाला है इसका आंसर 7 होगा। हम देख करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और कौन सा आंसर सही है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है 7। लेकिन आपको हमको इसको बताना है, ठीक है, हम आपको बताएंगे कि आप बताइए कि जो अंडर रूट के अंदर जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है। तो आप कहेंगे सर जी 42 है, कितनी है 42 है, ठीक है। तो ये जो 42 है इस 42 का हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि उसके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो डिफरेंस हमेशा एक होना चाहिए। तो 42 का ऐसे फैक्टर क्या होगा, 7×6 7×42। अब आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख सकते हैं, तो इन दोनों का जो बीच का हमारा डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कितना है, तो एक का है, मतलब कि ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट फैक्टर है। दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। जब संख्या प्लस में हो, क्या दोस्तों, जब संख्या प्लस में हो तो हमारा जो बड़ा वाला वैल्यू होता है वो हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा आंसर हमारा। आप क्या कहेंगे कि सर ने रट लिया, भाग पूर्वक सर ने रटा थोड़ी ना है, इसको हम आपको एक्सप्लेनेशन जो एक्सप्लेनेशन विधि है उस विधि से आपको हम करके भी दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको रटा नहीं है। आप सिंपल क्या करना है, सबसे पहले ये जो 42 है 42 का फैक्टर लेना है जिसका डिफरेंस एक होना चाहिए, तो हमारा फैक्टर क्या आया 7×6 और बीच का डिफरेंस एक आ गया, मतलब कि ये सही है। जब क्वेश्चन प्लस में हो तो हमारा बड़ा वाला आंसर होगा और जब माइनस में हो तो हमारा छोटा वाला आंसर होता है, ठीक है। अब आइए इसको एक्सप्लेनेशन विधि से हम देख लेते हैं, क्या दोस्तों, एक्सप्लेनेशन विधि से देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन विधि से ये जो है हमारा कैसे सॉल्व होता है। तो सिंपल हम मान लेंगे कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 डैश 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 इनफाइनाइट, ठीक है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन विधि से आप बिल्कुल समझिए अच्छे से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने x इज इक्वल टू इतना मान लिया, ठीक है, तो x इज इक्वल टू जब ये रूट, जब ये पहला हम रूट हटाएंगे तो इधर आएगा, तो इधर आके क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी स्क्वायर में हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर जी कोई दिक्कत नहीं, ये x स्क्वायर में आ गया। ये जो 42 है ये सिंपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 42
ठीक है, ये हो जाएगा 42 प्लस, फिर ये रूट वाला जो है वैल्यू वो बच जाएगा, क्या हो जाएगा 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 डैश डैश इनफाइनाइट। तो दोस्तों आप हमें एक बात बताइए कि इतने की वैल्यू हमने क्या माना है, तो आप कहेंगे सर जी x माना है, क्योंकि हमें पता नहीं है 42 इनफाइनाइट जगह कितने भी 42 हो सकते हैं, हमने इसका मान कितना माना है, तो x माना है। तो जी आप इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा x square इज इक्वल टू 42 और प्लस का x, किसी को कोई दिक्कत, इसको एक तरफ लेकर के आते हैं तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x हो जाएगा और माइनस का 42 हो जाएगा बराबर 0। अब इसका हम करेंगे फैक्टर और आएगा हमारा आंसर बिना किसी दिक्कत के, तो आइए इसका फैक्टर कर देते हैं। हमारा वैल्यू क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर जी x स्क्वायर माइनस का x है और माइनस का 42 बराबर 0 है, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसका हम फैक्टर करेंगे, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x और 7 × 6 = 42, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 6x और माइनस का 42 बराबर 0। अब क्या करते हैं हम फैक्टर में, तो इसको दो दो पार्ट कर देते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का 6x और माइनस का 42 बराबर 0। अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे भैया रे इसमें से जो हमारा कॉमन दिख रहा है x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन, ये क्या हो जाएगा x माइनस का 7 प्लस का 6 कॉमन दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा x माइनस का 7 बराबर 0। ठीक है, यहां से हमें दो वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे, एक हो जाएगा x प्लस 7 और एक क्या हो जाएगा x प्लस का 6। ठीक है, अब इसको लिखेंगे x प्लस 7 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू x माइनस 7 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 7, एक वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस 6 बराबर 0, ये क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का 6, x बराबर माइनस का 6। तो आप देख सकते हैं x की हमें कितनी वैल्यू प्राप्त हो गई, तो आप कहेंगे x की वैल्यू हमें प्लस 7 और एक का माइनस 6। दोस्तों आपको बता दें कि कभी भी हमारा माइनस वाला पॉसिबल नहीं होता है, प्लस वाला हमारा पॉसिबल होता है। तो आप एक बात बताइए कि हमें इतना रामायण लिखने की क्या जरूरत है, जब हमें सिंपल सा पता है कि जो हमारे रूट के अंदर संख्या दी रह गई है, क्या दोस्तों जो हमारे रूट के अंदर की संख्या दी गई है, सिंपल उसका हम क्या कर देंगे, तो सिंपल उसका हम फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करके कैसे करेंगे कि बीच का डिफरेंस एक आना चाहिए, तो बीच का डिफरेंस एक कैसे आएगा 7 × 6 और बीच का डिफरेंस भी एक है, तो मतलब कि हमारा जो बड़ी संख्या होती है वो हमेशा आंसर होता है, मतलब कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको हमने दोनों मेथड से समझा दिया, ठीक है, आपको अब देखते हैं इस पर और दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं और आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं कि हमारा तरीका बिल्कुल सही है करने का, तब तक आप इसको नोट करिए। तो ठीक है, अब आपने इसको कर लिया है नोट और अब हम करते हैं इसको इरेज। ठीक है, अब देखते हैं इसी पर एक दो चार क्वेश्चंस और देख लेते हैं कि और इस पर जो क्वेश्चंस है वो कैसे सॉल्व होते हैं और आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर देखेंगे हम टाइप टू क्वेश्चन। फिर क्या देखेंगे दोस्तों, हम टाइप टू क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो तीन क्वेश्चन है आपके सामने हैं और इसको हम वो रामायण वाली विधि से सॉल्व नहीं करेंगे, जो हमने आपको कंसेप्ट बताया है उस कंसेप्ट से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा कंसेप्ट, सबसे पहला कंसेप्ट क्या था कि इसको हमें ऐसे फैक्टर करना है, क्या दोस्तों इसको हमें ऐसे फैक्टर करना है कि फैक्टर करने के बाद जो बीच का डिफरेंस हो एक होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा और इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे इसमें सबसे जो बड़ी संख्या है वो 3 है, मतलब कि हमारा आंसर इसका कितना हो जाएगा, तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 की, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 12 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि फैक्टर करने के बाद जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए उसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा, तो 12 क्या लिखेंगे हम 4 × 3। तो जो सबसे जो प्लस की, जब प्लस हो बीच में, तो प्लस में हमेशा कौन सा आंसर होता है, तो प्लस में हमेशा बड़ा वाला आंसर होता है, तो मतलब कि हमारा 4 आंसर हो जाएगा, क्या दोस्तों हमारा 4 आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं इस पे, तो 56 का ऐसा कैसे फैक्टर बनेगा, तो आप कहेंगे दोस्तों 7 × 8 = 56, इसमें बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे बड़ी संख्या 8 है, मतलब कि हमारा 8 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पॉजिटिव वाला, अब देखते हैं नेगेटिव वाला कि नेगेटिव वाले में हम कैसे अप्लाई करते हैं और हमारा आंसर क्या होता है। तो आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए और उतार लीजिए ताकि आपका कांसेप्ट हमेशा क्लियर रहे।
तो दोस्तों अब हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है वो माइनस वाले क्वेश्चन अवेलेबल है, और जो माइनस वाले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ये भी टाइप वन में ही आता है क्योंकि प्लस और माइनस एक ही में आता है। तो हमने क्या बताया था कि इसका ऐसे फैक्टर करेंगे कि फैक्टर करने के बाद डिफरेंस हमेशा वन आना चाहिए। तो पांच जो बीस है, बीस का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे पांच चौके बीस, पांच चौके बीस। और हमने क्या बताया है कि जब भी माइनस में हो तो माइनस में हमेशा जो आंसर होता है वो छोटा वाला आंसर होता है, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चार हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। तो क्वेश्चन नंबर टू में 42 है और 42 का ऐसे फैक्टर क्या होगा कि जो माइनस वन आएगा, तो आप कहेंगे 7 × 42, 7 × 35, 7 × 42। हमेशा इसमें आंसर क्या होता है, छोटा वाला होता है, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा छोटा वाला। तो दोस्तों ये था हमारा टाइप वन का क्वेश्चन जो कि प्लस और माइनस में था। अब देखते हैं टाइप टू क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है हमारा टाइप टू क्वेश्चंस। टाइप टू क्वेश्चंस में ना प्लस रहेगा माइनस रहेगा, सभी एक दूसरे के इनटू में रहते हैं। क्या दोस्तों, सभी एक दूसरे के इनटू में रहते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम देख करके बता सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो पांच होगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा, हम इसको देख करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आपको भी हम पहले ट्रिक बता दें कि इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जब भी संख्या इनटू में हो, और आपको देखना कि जो संख्या इनफाइनाइट तक होनी चाहिए, क्या दोस्तों ये संख्या इनटू में हो और इनफाइनाइट तक होनी हो, तो जो रूट के अंदर हमारी संख्या होती है, क्या दोस्तों सबसे पहले हमारा क्या देखना होगा कि सभी संख्याएं इनटू में होनी चाहिए। तो सभी संख्याएं इनटू में है, तो आप कहेंगे हां सर बिल्कुल इनटू में है। उसके बाद ये संख्याएं इनफाइनाइट तक होनी चाहिए, और हम इसके आगे ये भी बताएंगे जब संख्या इनफाइनाइट में नहीं हो तो उसका आंसर क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि इनफाइनाइट तक है, तो इनफाइनाइट तक है जो चीज ब्रैकेट में रहती है, क्या दोस्तों जो चीज रूट में रहता है, जो चीज रूट के अंदर रहता है वही सिंपल हमारा आंसर हो जाता है, यानी रूट के अंदर क्या है पांच, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों पांच हो जाएगा। आप कहें सर हमें विश्वास नहीं होता, आप हमें प्रूफ करके दिखाइए। जी हाँ रे भैया, हम आइए आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं ना रे। तो एक्स बराबर हम मान लेंगे, एक्स बराबर क्या मान लेंगे, तो आप कहेंगे एक्स बराबर मान लेंगे रूट फाइव, फिर का अंडर रूट फाइव, फिर का अंडर रूट फाइव डैश 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 इनफाइनाइट तक हमने मान लिया। तो ठीक है, अब एक बात बताइए कि यहां तो हम लिख देंगे x बराबर इतने का, ये जो रूट है, ये जो रूट हटेगा तो इधर आगे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया रे स्क्वायर में हो जाएगा, इसको बड़ा लिख दे हम, ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहां जब रूट हट गया तो ये पांच हो जाएगा, तो बच गया पांच। अब फिर क्या बच गया, तो आप कहेंगे फिर बच गया हमारे पास फाइव रूट फाइव रूट फाइव डैश डैश इनफाइनाइट तक बच गया। तो भैया रे इसका हमने मान क्या माना है, इसका हमने मान क्या माना है, तो आप कहेंगे सर जी हमने x माना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 5 इनटू में x हो जाएगा, ये x से ये x कट जाएगा तो एक x बच जाएगा, तो x बराबर 5 हो जाएगा हमारा आंसर, बिना किसी दिक्कत के x बराबर हो जाएगा 5, x बराबर हो गया हमारा 5 आंसर। आप इसको फटाफट नोट करिए कि आगे एक दो क्वेश्चन और हम आपको समझा दें। तो ठीक है, आपने इसको कर लिया नोट, अब देखते हैं दो तीन क्वेश्चंस और देख लेते हैं कि दो तीन और क्वेश्चंस देखने के बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है फट से। क्वेश्चन हम आपको दे दें क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर वन दे, क्वेश्चन नंबर टू क्या दे दे, अंडर रूट सिक्स अंडर रूट सिक्स अंडर रूट सिक्स डैश 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 इनफाइनाइट तक का मान बताए। आप देख करके बता सकते हैं कि रूट के अंदर क्या है रे भैया, रूट के अंदर क्या है, तो आप कहेंगे सिक्स है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिक्स देख करके आंसर लिख देना है। आपको एक और क्वेश्चन हम दे दे कि आपको यहां हम दे दे अंडर रूट आठ अंडर रूट आठ अंडर रूट आठ डैश 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 इनफाइनाइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि भैया रे इसका जो आंसर होगा वो आठ हो जाएगा। हमें सिंपल क्या देखना है कि रूट के अंदर के जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं इनटू में होनी चाहिए, संख्याएं इनफाइनाइट तक होनी चाहिए, जब संख्या इनफाइनाइट तक हो जो हमारे रूट के अंदर संख्या होती है वही हमारे आंसर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ जो बिना इनफाइनाइट तक के जो इनफाइनाइट में नहीं रहते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यह है हमारा क्वेश्चन कि जब संख्याएं इनटू में है, और ये भी इसको भी हम टाइप टू में ही पढ़ेंगे क्योंकि इनटू ये भी इनटू वाले ही संख्या है। ठीक है, जब भी संख्याएं हमारे इनटू में है और वो इनफाइनाइट तक नहीं हो तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपका हमने आपके लिए फॉर्मूला यहां लिख दिया, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बराबर 2n के पावर 2 t के पावर माइनस 1 बटा में 2 के पावर t। तो इसको हम फॉर्मूले पे कैसे अप्लाई करेंगे इसको हम सीखेंगे। तो फॉर्मूले पे अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमें काउंट करना होता
है कि रूट के अंदर की जो हमारी संख्याएं हो, संख्याएं सेम है कि नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, संख्याएं रूट के अंदर हमारी सेम है, एग्जाम्स में भी आपको संख्याएं सेम मिलेंगी। उसके बाद हमें काउंट करना है कि ये संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 संख्याएं कितनी है दोस्तों। तो आप कहेंगे संख्याएं हमारे पास 4 है, यहां तक किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जो एन की वैल्यू होती है हमारी, एन की वैल्यू जो अंदर की संख्या है वो हो जाएगी, मतलब कि ये क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। अब क्या है, 5 के पावर एन के पावर 2 टी के पावर माइनस 1, यहां लिखेंगे हम टी। अब हम काउंट करेंगे कि संख्याएं कितनी हमारी, 1 2 3 4, तो आप कहेंगे 4 है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4 माइनस का 1 और बट्टा में हो जाएगा 2 के पावर टी, तो 2 के पावर कितनी संख्या है, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 लिख देंगे, 2 के पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1 2 2 2 3 2 4 2, 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16, मतलब कि 5 के पावर ये हो जाएगा 16, और 16 में से 1 घटा दीजिए, 16 में से 1 घटाने के बाद क्या आ जाएगा 15, यानी हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 के पावर 15 बटा में 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ये है हमारे सॉल्व करने का तरीका। अब देखते हैं दूसरे नंबर को, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि संख्याएं हमेशा इनटू में होनी चाहिए, संख्याएं सेम होनी चाहिए और इनफाइनाइट नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले आपको बता दिया है कि जो इनफाइनाइट लगा हो उसको कैसे सॉल्व करते हैं और बिना इनफाइनाइट वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो भाई इसको देखते हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, एन की वैल्यू लिखेंगे, तो जो रूट के अंदर होता है वो हो जाएगा हमारा, एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब काउंट करेंगे कि संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, यहां सॉरी 7 है दोस्तों, 7 है, ठीक है, 1 2 3 4 5, संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 है, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे हम 2 के पावर 5 माइनस 1 बटा में 2 के पावर 5 बराबर 7। अब 2 के पावर 5 का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 दूना का 4 दूना के 8, 8 दूना का 16, 16 दूना का 32, क्या हो जाएगा दोस्तों 32, और 32 में से 1 घटा दीजिए, 32 में से 1 चला जाएगा, ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। ये था हमारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का बिल्कुल आसान आसान सा तरीका कि जब संख्याएं इनटू में हो और इनफाइनाइट नहीं लगा हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं टाइप 3 के, टाइप 3 में हमारे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं टाइप 3, तो दोस्तों ये है हमारे टाइप 3 का क्वेश्चन कि टाइप 3 में क्वेश्चंस हमारे ऐसे पूछे जाएंगे कि 4 + √44 फिर + √10,000 का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो हमारे अंतिम रूट है यहां से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे और पहले तक पहुंच करके हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसको दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 4 + √44 और प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ये जो 10,000 है तो 10,000 का रूट वैल्यू कितना होता, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे √4 + √144, ये जो 144 की अंडर रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे भैया अरे 12 हो जाएगा, तो 4 + 12, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, तो √16 हो जाएगा, और 16 का रूट वैल्यू क्या होता, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसमें का एक और क्वेश्चन हम और देख लेते हैं ताकि हमारी और अच्छे से कांसेप्ट क्लियर हो जाए, तो इसको आप नोट करिए, हम अगले क्वेश्चन दे दें आपको। तो ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पे, और तो आप बात बताइए कि 96 की जो है रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे भैया अरे 14 हो जाएगा, जब 14 में हम 86 जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा अंडर रूट 100 हो जाएगा, तो 100 का जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, 100 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 आ जाएगा, और फिर प्लस है और अंडर रूट कितना है, तो आप कहेंगे 134 हो जाएगा, तो 134 और 10 कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 144 हो जाएगा, और 144 का रूट वैल्यू क्या होता, तो आप कहेंगे भैया 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा नंबर सिस्टम का बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की वीडियो जो कि रूट्स के माध्यम से आपसे पूछे जाते हैं। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जो बगल में बेल आइकॉन है बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही मैथ की अमेजिंग अमेजिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहे और आपको नोटिफिकेशन मिलती है नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।